हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक खबर निकल के आती है कि बैजनाथ के विधायक का डीओ लेटर सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। डीएसपी का तबादला करने की मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। सियासत इसमें गर्म हो गई है, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में जानते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल कोई भी न्यूज़ या करंट अफेयर जानने के लिए देखिए, बैजनाथ के विधायक मुल्क राज प्रेमी और उपमंडल पुलिस अधिकारी पूर्णचंद ठकराल के बीच बीते कुछ दिनों में से जारी शीत युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। डीएसपी से कथित तौर पर नाराज चल रहे विधायक ने 5 मई को अपने हस्ताक्षरित डीओ नोट के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चिन्हित में डीएसपी पूर्णचंद का तबादला दारलाघाट करके दारलाघाट के वर्तमान डीएसपी प्रताप चंद को पुणे बैजनाथ का डीएसपी तैनात करने की सिफारिश की है। लेकिन मुख्यमंत्री को दिए गए इस डीओ नोट पर आगे कोई कार्रवाई हो पाती इससे पहले ही ये डीओ नोट मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर लीक हो गया। सूत्र बताते हैं कि कोरोना से जंग के दौरान बैजनाथ उपमंडल में सख्ती से लॉकडाउन के नियमों लागू करवाने वाले डीएसपी पूर्णचंद की बेबाक कार्यप्रणाली के चलते अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही लगातार शिकायतों के चलते विधायक अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने पहले भी डीएसपी की शिकायत आला अधिकारियों से की थी। उधर इस मामले पर बैजनाथ हलके में सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय नेताओं के विधायक प्रेमी पर कोरोना संकट के समय भी तबादला की सियासत करने का आरोप लगाया है। पता चला है कि विधायक प्रेमी भी इस वीरवार को विपक्ष पर पलटवार करने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसने लीक किया है ये गोपनीय डीओ? और डीएसपी बैजनाथ की कार्यप्रणाली के खिलाफ जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थी। मैंने पहले भी उन्हें आगाह किया था, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जनहित में अपनी डीओ लगाकर मुख्यमंत्री से वाले की सिफारिश की थी। मेरा डीओ सोशल मीडिया पर कैसे लीक हुआ इस बारे में मैं तथ्य जुटा रहा हूं। इसके बाद अगली अगर कार्रवाई होगी। मुल्क राज प्रेमी विधायक बैजनाथ का ये बयान निकल के आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल कोई भी करंट अफेयर और न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।